हर हालत में मुआवजा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, देना चाहिए। जैसे जहरीली शराब से की घटना घटी थी गोपालगंज, सारण जिला में जहरीली शराब से मृतकों के परिजनों से सारण जिला के पूर्व स्नातक MLC भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह मिल रहे हैं। आज उसी क्रम में मशरक प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पीड़ित परिवार से घर जाकर मुलाकात किया, वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के क्रम में महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय और विदारक घटना है। बिहार सरकार को सभी पीड़ित परिवार सभी सरकारी मदद के साथ साथ प्रति 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करना चाहिए। सर, आप जहरीली शराब से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, मिले हैं जाकर के, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद घटना घटी है। मसरत तो हर गांव हमारा पारिवारिक गांव है, कई गांव में मैं गया हूँ, और ये सच है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो चलाने वाले लोग यूनिट हमारी है वो इन्वॉल्व है। और शराब जैसा जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष से ही शराब मिला, कोई कह रहा है कि थाना में था, ड्राम भरा हुआ, उसमें बेटा फिर जद्दू मोड़ पर कह रहे हैं वहाँ पर शराब का जो है वो बिजनेस करते थे उनके यहाँ भी। उस थाना के अगल बगल इतनी बड़ी घटना है, इससे लगता है कि बिल्कुल सरकार अनदेखा की है। और बरसों से मामला चल रहा है, 16 से कानून बना है शराबबंदी का, और मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं बराबर हो रही है। अब देखा होगा कि हमारा गोपालगंज में जो घटना घटी वहाँ पर लोगों ने सरकार ने महसूस किया और वहाँ मुआवजा पहले भी दिया। तो ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, न घर है, न कोई खाने की व्यवस्था है, अधिकतर लोगों को राशन कार्ड भी नहीं है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे, 2-3 बातों की चर्चा करते हुए सरकार से मांग करेंगे कि तो सर्वे करा के वैसे गरीबों का राशन कार्ड का अभी तक नहीं बना है, राशन कार्ड निश्चित रूप से बनवा दें और ये गहराई से जाँच हो। चूँकि कानून शराबबंदी कानून बना है 2016 में, अब 16 से लगातार घटनाएँ हो ही रही है, ये रुकी नहीं है। और सरकार का ये मानना कि फला प्रदेश से आया, चिन्ना प्रदेश से आया, ये बकवास में मान रहा है। सरकार थोड़ी दलील दे रही है। मशरक में शराब मिला, जहरीली शराब मिला, एक दिन के अंदर सैकड़ों लोग मर गए। दर्जनों गांव में गया हूँ और देखा हूँ कि पुजारी जी को कुछ नहीं है, गया शाम में निकला, शराब पिया, साफ हो गया, हॉस्पिटल गया, कुछ यही भी बताया कि कितना संवेदनहीनता हो गई है हुकूमत की कि मशरक से हॉस्पिटल लोग आए लेकर परिवार, छपरा वाले हॉस्पिटल में भी कह दिए कि नहीं जाइए, मशरक यहाँ कोई इलाज नहीं होगा। यदि वेरी सीरियस, इस पर इन तमाम मुद्दों पर सरकार को गहराई से जांच करना चाहिए और उन गरीबों को मदद करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी अब कैसे आगे चलेगी, हर परिवार में देखते हैं अभी, मैं एक दो नहीं, हर परिवार में सभी के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, खाने के बिना बिल्कुल तरस रहा है। ऐसे परिवार को मदद करना चाहिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अन्य में खाने का खाद्यान्न नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत मदद करना चाहिए और हर हालत में मुआवजा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, देना चाहिए। जैसे जहरीली शराब से की घटना घटी थी गोपालगंज, वहाँ सरकार ने उदारता बरती और वहाँ ने मुआवजा दिया, यहाँ पर अधिक मुआवजा, मैं समझता हूँ मिनिमम 10-10 लाख रुपये की मुआवजा सरकार को हर परिवार को देना चाहिए जिससे कि परिवार खराब हो सके। जुरु दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।